वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के सोनिया चौकी स्थित जवाहर नगर कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान के अंदर से एक दर्जन से अधिक सांप मिले। वहीं मकान के अंदर करीब 5 फीट लंबा एक सांप मिलने से लोगों में भय का माहौल है। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों ने एक दर्जन सांप को डिब्बे में बंद कर जंगल में छोड़ा है, लेकिन सांपों का मिलना शनिवार तक जारी है। मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के सोनिया के जवाहर नगर कॉलोनी में सत्यनारायण प्रजापति नामक व्यक्ति का मकान स्थित है। सत्यनारायण के बंद पड़े मकान में शुक्रवार की दोपहर स्थानीय लोगों ने एक सांप को देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया। सांप पकड़ने लोगों ने जब सांप को पकड़ना शुरू किया तो वहां से लगातार सांप मिलने लगे। शुक्रवार को करीब एक दर्जन सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। वहीं शनिवार को भी मकान से सांपों का मिलना जारी रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 2 से 3 दर्जन तक सांप उस मकान में मौजूद हैं। लोगों ने बताया कि सत्यनारायण प्रजापति पैसे से पूजा पाठ करते हैं और उनका मकान बंद पड़ा हुआ था। बारे ना जाए हाँ इतना बारे होता पानी 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 पानी